थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को ग्राम धौलाहेड़ी से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर मनोज को ग्राम धौलाहेड़ी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विपिन शर्मा, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने तांबा चोरी के मामले में दो वांछित अभियुक्तों को राधा विहार कॉलोनी से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने तांबा चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने दो शातिर चोर रहमान एवं मतीन को राधा विहार कॉलोनी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 8 किलो तांबा, 1 बैशाख बरामद किया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रविंद्र धामा, हेड कांस्टेबल संजय मौजूद रहे। पुलिस लाइन स्थित बैरको एवं मरम्मत कार्यों का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा पुलिस अधीक्षक यातायात प्रतिसार निरीक्षक के साथ पुलिस लाइन में चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैरको का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारी गणों एवं पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को ग्राम चालाकपुर के जंगल से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर सद्दाम को ग्राम चालाकपुर के जंगल से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 60 ग्राम अवैध स्मैक, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक करण नागर, हेड कांस्टेबल तरुण कुमार मौजूद रहे। थाना गागलेडी पुलिस ने जुआ खेलने के मामले में एक अभियुक्त को कैलाशपुर से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने जुआ खेलने के मामले में वारंटी अभियुक्त साहिल को कैलाशपुर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शाहनवाज अहमद, कांस्टेबल नरदेव मौजूद रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या के मुकदमे में 11 वर्षों से फरार चल रही 25,000 रुपए की इनामी महिला अभियुक्त को चिलकाना रोड से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या के मुकदमे में लगातार 11 वर्षों से फरार चल रही 25,000 रुपए की इनामी महिला अभियुक्त नफीसा को चिलकाना रोड हलालपुर नहर के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए महिला अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्र सेन सैनी, कांस्टेबल देवेंद्र कुमार मौजूद रहे। वार्ड 27 की भगवती कॉलोनी में 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पार्क के कार्य का महापौर ने किया शुभारंभ। आपको बता दें, वार्ड 27 की भगवती कॉलोनी में 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पार्क के कार्य का शुभारंभ किया गया। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने पहुंचकर कार्य का शुभारंभ किया। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में लगातार जनपद सहारनपुर में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस दौरान भाजपा पूर्व महानगर अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, पार्षद वीर सेन सिद्धू व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्क के बारे में थोड़ा बताएं। आज वार्ड नंबर 27 भगवती कॉलोनी में पार्क का सौंदर्यकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य का शुभारंभ किया है। लगभग 35 लाख की लागत से होने वाले इस कार्य को नगर निगम की निधि के द्वारा किया जा रहा है और लगातार नगर निगम सहारनपुर परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर कार्य कर रहा है। निरंतर आप देखेंगे कि हम लोग जहां एक ओर विकास की बात कर रहे हैं, सड़क की नाली की बात कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर अपनी प्रकृति के निकट जाने का भी कार्य कर रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष में नगर निगम में लगभग 5 सरोवर लिए हैं जिसपे कार्य कर रहे हैं और CSR के माध्यम से भी दूसरे 5 सरोवरों पर हम लगातार जल संरक्षण का कार्य कर रहे हैं।
इसी क्रम में पार्कों के निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिससे पानी का संचय भी किया जा सके, और वृक्ष लगाकर जो एक प्रण लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, उसके निमित्त भी कार्य किया जा सके, ऐसा कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो ये पार्क आपके हिसाब से, प्लान के हिसाब से कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, जो भी टेंडर होते हैं, जो काम की सीमा होती है, लगभग 3 महीने का 90 डेज का काम का कार्य होता है, उसके अंदर लगभग ये बनकर तैयार हो जाते हैं, और उतने दिन में ही लगभग काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कुछ निर्देशित करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम को कराया जाए। इस पार्क के जरिए क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं पब्लिक को, इसके बारे में थोड़ा बताएं? मूलभूत रूप से जो भी पार्क बनाते हैं उसमें हम लोग जल संरक्षण का ध्यान रखते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा चारों तरफ पाथ बनाना जिसपे लोग घूम सकें, वृक्षारोपण करना, और झूले और पार्कों में बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था, इस चीज़ पे भी ध्यान रखते हैं, साथ साथ सोलर लाइट लगाकर पार्क को प्रकाशित करने का भी कार्य करता है। थाना जीआरपी पुलिस ने फर्जी विजिलेंस इंस्पेक्टर बनकर रुपयों की वसूली करने वाले अभियुक्त को आरएमएस के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जीआरपी पुलिस ने फर्जी विजिलेंस इंस्पेक्टर बनकर रुपयों की वसूली करने वाले शातिर अभियुक्त लाखन मेहता उर्फ लखन मेहता को आरएमएस के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक दीपक प्रताप शर्मा, एएसआई पुष्पेंद्र कुमार मौजूद रहे। नवीन नगर में अनियंत्रित थार कार द्वारा एक महिला को टक्कर मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के नवीन नगर में अनियंत्रित थार कार ने एक महिला को जबरदस्त टक्कर मार दी। यह थार कार जब अनियंत्रित हुई तो एक एक्टिवा एवं महिला को जबरदस्त टक्कर मारती गई। पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि यह कार एक लड़का चला रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित जानकारी दी है। सीसीटीवी फुटेज की आप बात कर रहे हैं, ये कल शाम की घटना बताई जा रही, और जिसमें एक गाड़ी एक महिला को टक्कर दिखाते देखी जा सकती है। महिला का भी पता किया कि तो महिला को कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं आई है और वो सेफ हैं, और अभी भी किसी भी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हमें हुई है, और जैसे इसमें तहरीर प्राप्त होती है किसी पक्ष से तो उसमें उसके अनुसार उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अभी तक मेरे तथ्य प्रकाश में मेरे तो आया नहीं, बाकी आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी, और जैसे ही कोई भी पीड़ित लोग इसमें अगर तहरीर देते हैं तो उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी आप बता रहे हैं, ये बात अभी तक वेरीफाइड है नहीं कि उसको गाड़ी कौन चला रहा था, सीसीटीवी फुटेज अभी क्लियर है नहीं कि इसमें कौन बैठा हुआ है, और जैसे इसमें महिला चोटिल होती दिख रही है उनके द्वारा भी अभी तक कोई तहरीर दी नहीं गई है, इसमें इस वजह से इसमें अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। अगर इस केस में ऐसा हुआ है तो उसमें जरूरी कार्रवाई होगी, और ऐसे ही नाबालिग बच्चे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स की है कि उनको गाड़ियां ना दें, क्योंकि अभी जो हमारा नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है इसमें ये पूरा प्रावधान है कि अगर कोई पेरेंट्स जानते हुए, गार्जियंस अगर जानते हुए अपने बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं कि उसके पास डीएल नहीं है और वो नाबालिग है, तो जो सारे सेक्शंस हैं जो उस पर लगने चाहिए वो सारे उसके पेरेंट्स से भी लगेंगे। रिबन काटकर अंबाला रोड स्थित मेला गुघाल का पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष व प्रदेश मंत्री ने किया उद्घाटन दी जानकारी। आपको बता दें, उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेला गुघाल का पश्चिम क्षेत्र भाजपा के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, राज्य मंत्री जसवंत सैनी व भाजपा के प्रदेश मंत्री चंद्रमोहन सिंह व विधायक गणों ने उद्घाटन किया। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मेला गुघाल हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान है। पश्चिम क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने मेले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, मेलों के आयोजन से आपसी सौहार्द बढ़ता है। आज सहारनपुर में गुघाल मेले में मैं सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये परंपरागत मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगा है, और इस भव्य मेले का आयोजन होता है, ये बड़े हर्ष का विषय है। मैं सहारनपुर के सम्मानित महापौर अजय सिंह जी को
और यहाँ के नगर आयुक्त संजय चौहान जी को सभी सम्मानित पार्षद बंधुओं को शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ईश्वर की उन पर जाहरवीर गोड़ा जी महाराज की उन पर ऐसे कृपा बनी रहे और वो लगातार ऐसे भव्य मेले को हर वर्ष की भांति आगे भी लगाते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इस मेले के माध्यम से जो एक आपसी प्रेम बढ़ता है, जो भाईचारा बढ़ता है, एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनता है, उससे इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे समूचे भारत में सहारनपुर की पहचान बनती है। इसी क्रम में मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब के माध्यम से इस मेले के आयोजन जब तक भी रहता है ये लगातार दिखाया जाना चाहिए। सभी उत्पादक बंधुओं का भी जो यहाँ स्टॉल लगाते हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अभिनंदन। देखा गया है इमरान खान का नाम बोर्ड हो सकता है मानवीय चूक हो आमंत्रित किया गया है वो नहीं आ पाए अभी मेयर साहब बता रहे हैं देखिए ये मेला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है जहाँ एक और धर्म आस्था और जो संस्कृति है उसका समवायक है वहीं दूसरी और जो छोटे कारीगर उनको अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का माध्यम भी है उसको अपने उत्पाद को जो इस देश का आर्थिक व्यवस्था है उसमें एक इंजन की तरह स्थापित होने का माध्यम भी है उसी क्रम में इस मेले का आयोजन नगर निगम ने इस इवेंट को जीरो प्लास्टिक इवेंट बनाने का अपना लिया है और इस इवेंट को बहुत ही सुंदर न केवल प्रकाशित करने का बल्कि सुंदर साफ सफाई रखने का महिलाओं के लगे शौचालय बनाने का भी ट्रेंड है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने का किया है जिससे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो धारणा है उसको और सबल मिले और लोग उसको अपने विचारों को अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से देखें। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के द्वारा उच्च स्तरीय औद्योगिक कार्यशाला की गई आयोजित दी जानकारी। आपको बता दें चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के द्वारा दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में उच्च स्तरीय औद्योगिक कार्यशाला CIS संवाद 2024 औद्योगिक संगम का आयोजन किया गया। इस दौरान रविंद्र मिगलानी ने बताया कि 16 सितंबर से 21 सितंबर तक यह कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। मैं रविंद्र मिगलानी अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। आज हमने CIS संवाद 2024 औद्योगिक संगम जो 6 दिन लगातार चलने वाली है आज पहला दिन था। इसमें 4 विभाग के अधिकारी आए थे। इसमें जिला उद्योग केंद्र से अंजुरानी संयुक्त ज्वाइंट कमीशन इंडस्ट्रीज और डिप्टी कमीशन इंडस्ट्रीज श्री वी के कौशल जी और LDM लीड बैंक मैनेजर मिस्टर प्रवीण जमवार जी आए थे और भी इसके अलावा 2 विभाग एक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी और AIG स्टाम्प के यहाँ से रजिस्ट्रार साहब आए थे विवेक कुमार जी। चारों विभागों के अधिकारी आए और हमारे संस्था के और मेंबर्स और अदर देन मेंबर्स भी गेस्ट भी आए और पत्रकार बंधुओं और साथ में मात शक्ति भी सब ने बहुत अच्छा यूजफुल रहा। बहुत ही इंटरेक्टिव एसोसिएशन रहा। काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी जो शंकाएं समस्याएं थी और उसका उन्होंने अच्छे से जवाब दिया और लोगों ने बहुत इसका फायदेमंद रहा। कुल मिला के फायदा मिलेगा जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा साबित होगा। ये कल आने वाला कल जो है 17 तारीख मंगलवार को 2 विभाग आ रहे हैं नगर निगम और सहारनपुर विकास प्राधिकरण से दोनों अधिकारी आएंगे तो मैं ये चाहूँगा कि उसका भी फायदा उठाएंगे।